तो हेलो मेरे YouTube भाइयों, पहले तो यार बता दो कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद मैं टाटा नैनो का फिर से रिव्यू करने जा रहा हूँ। काफी शानदार गाड़ी लेकर गया हूँ, थोड़ा सा इतना सा आपको कॉस्टली मिलने वाला गाड़ी, लेकिन साथ में बताऊँ टॉप एंड मॉडल ट्विस्ट लेकर आया हूँ जिसके अंदर आप बूट भी ओपन कर सकते हो और यार काफी ज्यादा मजे ले सकते हो इस गाड़ी का। वैसे CNG नहीं लगा हुआ है, आप चाहे तो लगवा सकते हैं क्योंकि हर एक टाटा नैनो पेट्रोल वेरियंट में आया करता तो हर गाड़ी के अंदर आप चाहे तो लगवा सकते हो। तो दोस्तों ये सब तो बात की बात है, उससे पहले मैं आपके मजे के लिए एक और बात बता देना चाहता हूँ। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम आपको देखने को मिल रहा होगा डिस्प्ले के ऊपर, उसमें मैं प्रैंक वीडियोस बनाया करता हूँ। इस चैनल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको प्रैंक वीडियो या फिर कॉमेडी टाइप से वीडियो देखना पसंद हो तो। इसमें हम क्यूट गर्ल्स का रिएक्शन लिया करते हैं जो कि यार फनी फनी शायरी मारा करते हैं, बोला करते हैं और लड़की को पसंद आता है, लड़की हंसती है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा हमें आता है। आपको भी मज़ा आएगा अगर आप सुनते हो देखते हो तो। चलिए भाई, अभी तो जो बोलना था बोल दिया, अभी हमें रिव्यू करना है कार्स का क्योंकि आपका यार कार देखने का मन है, तो चलिए अभी हम आपको कार दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था काफी शानदार आज मैं आप लोग के लिए गाड़ी लेकर आया हूं। तो सामने आप देख सकते हो रेड कलर के टाटा नैनो जिसमें आपको हेडलाइट देखने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत अंदर में ब्लैक कलर का आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा, इससे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी आप बोल सकते हो। साथ में आपको साइड इंडिकेटर हेडलाइट के ऊपर देखने को मिल जाता है। गाड़ी का दोनों ORVM बिल्कुल ओके है, टिक टॉक। साथ में आपको इंटीरियर मतलब छत के ऊपर एक एंटीना देखने को मिल जाता है, मैं इंटीरियर कहां जा रहा था भाई। सिंगल वाइपर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे में आपको दो फॉग लैंप मिल जाएंगे। INDIA नंबर प्लेट लगा हुआ है गाड़ी के अंदर। बात करें टायर का तो टायर भी आपको 70-80% लगभग बचे हुए देखने को मिल जाते हैं। साथ में आपको मैं बताऊं तो एलॉय कवर्स भी मिल जाएंगे, हालांकि प्लास्टिक के हैं बट फिर भी ठीक ठाक कंडीशन के आपको मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको हम चारों साइड से पहले लुक दिखाने का गाड़ी का ट्राई करेंगे, फिर बात करेंगे इस गाड़ी का और भी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे से भी लुक काफी शानदार है, टेन लाइट आप देख सकते हो गाड़ी का, ट्विस्ट का बैजिंग मिल जाएगा पीछे में, जैसे मैंने बोला था इसका बूट आप ओपन कर सकते हो। तो हाँ जी बिल्कुल आप ओपन कर सकते हो, सामने में देख ही रहोगे बूट ओपन करने का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे गाड़ी। वैसे आपको ऐसा लग रहा कमेंट में जरूर एक बार बताएं। आप देख सकते हैं चारों साइड से आपको हम गाड़ी दिखाने का दोस्तों ट्राई करें। बात करें अंदर का तो अंदर भी आपको हम दिखाते हैं। अंदर में आपको ड्यूल आपको डोर मतलब ड्यूल कॉम्बिनेशन आपको कलर देखने को मिलता है जो कि ब्लैक और ब्राउन टाइप से आपको देखने को मिलता है। तो डैशबोर्ड तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्यारा लगने वाला है, फ्रंट में दो ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, साथ में स्पीकर्स, स्टेयरिंग आप देख सकते हो। फ्रंट का जो सीट है वो भी काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलता है। साथ में पीछे में बताऊँ तो पीछे से भी आप देख सकते हो पीछे का सीट काफ़ी शानदार है और काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है। गाड़ी के अंदर स्पेस का नो डाउट बाहर से छोटा लगता है बट बाहर मतलब अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है दोस्तों आपको इस गाड़ी के अंदर। साथ ही बताऊँ तो फ्रंट में आपको 4 AC विंडो सिस्टम मिलने वाले जिसमें आपको वही हीटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फिर क्या ही आप टाटा नैनो से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो यार। पीछे से आप लुक चेकआउट कर सकते हो, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया नैनो XT इसका वेरिएंट है। बूट स्पेस चेकआउट कर सकते हो, बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाता है इसमें, चाहे तो 2-3 लगेज यार आराम से ठूस सकते हो, आराम से मजे ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूजिक सिस्टम आपको ब्लूटूथ इनबिल्ट देखने को मिलने वाला है इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर। साथ ही मैं बता दूँ दोस्तों ये जब नैनो आती थी ना कंपनी की तरफ से वही है आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलने वाला है। टॉप एंड मॉडल गाड़ी है सो इसमें यही लगा के मिला करता था जो कि आप सामने में देख ही रहोगे। ब्लूटूथ का आपको फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। AC मिनट जैसे मैंने बताया था विथ हीटर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, AC का 3 स्पीड मिलता है लेकिन हीटर मिल जाता है तो फिर क्या ही चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्पीडोमीटर 120 का टॉप स्पीड देखने को मिलता है स्पीडोमीटर के अंदर, बट ज़्यादा थोड़ा कम ही है बट ठीक ठाक है। और पावर बटन का कंट्रोल्स आपको मिल जाएगा जस्ट गियर बॉक्स के नीचे जो कि काफ़ी अच्छी जगह पर दिया गया है। और गियर बॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th गियर तक आपको इसमें मिलता है, 5th गियर इसमें नहीं है तो गलती से 5th गियर इसमें ना लगाएं, 4th के बाद डायरेक्टली आपको रिवर्स गियर देखने को मिलता है तो ये भी ठीक है। बात करें जहाँ हर गाड़ी का होता है इंजन वहाँ इस गाड़ी का होता है स्टेपनी, तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे आप फ्यूल भी डाल सकते हो और स्टेपनी भी निकाल के यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। स्टेपनी का आप कंडीशन देख सकते हो जैसे मैंने बताया था 80-90% लगभग बचा हुआ। तो चलिए और मैं डिटेल्स बता दूँ दोस्तों इस गाड़ी का। तो टाटा नैनो 2015 मॉडल आप देख रहे हैं, पेट्रोल वेरियंट गाड़ी है। किलोमीटर बताऊँ तो लगभग 28,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। गियर बॉक्स मैनुअल मिल जाएगा, सेकेंड ऑनर गाड़ी है। साथ ही बताऊँ लोकेशन तो ये है दिल्ली की गाड़ी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी में कराया हुआ। चलिए अब मैं आपको प्राइस बता दूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1,65,000 रुपये है जो कि एक ऑनर का प्राइस है। 2015 मॉडल टाटा नैनो है, टॉप एंड मॉडल गाड़ी है, काफ़ी अच्छा डील है, थोड़ा उस प्राइस कम हो जाएगा सो टेंशन ना ले प्राइस का। बात करें कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ मिलेगा, कैसे आप ऑनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों वो भी काफ़ी ईजी है कॉन्टैक्ट नंबर मिलना। कॉन्टैक्ट नंबर आपको हम डिस्प्ले पर दे देंगे तो करना कुछ नहीं, डिस्प्ले वाले नंबर पर आपको कॉल करना है, ऑनर से बात करना है, जो भी आपको पूछना बाकी वो पूछ सकते हो ऑनर से। और अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, DM कर सकते हैं। और यार
फॉलो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अपडेट जो भी बोले पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर आपको कॉमेडी वीडियो प्रैंक वीडियो देखना पसंद हो तो उस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं इसी तरह एक और नए कार के साथ, नई रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय।